हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 3। इससे पहले मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 में हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरह से फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी, और राज जो उस समय का राजा लुई 16वां था वह काफ़ी विलासी राजा था, और उसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सारे पैसे खर्च किए थे, जिसके कारण उसके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा भार आ चुका था। तकरीबन 2 बिलियन लेवड़े का कर्ज हो चुका था। ऐसे में राजा को अपने एक्सपेंस, अपने खर्च को चलाने के लिए और उन कर्जों को चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन उस समय के जो टैक्स बढ़ाने की पद्धति थी, उसमें राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी होती थी। ये स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें कि समाज के तीनों ही वर्ग, यानी जो नोबिलिटी थी, जो चर्च थे और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते थे, और इनके सहमति के बाद ही टैक्स बढ़ाया जा सकता था। तो स्टेट जनरल की बैठक बुलाने के लिए राजा ने ये डिसाइड किया कि स्टेट जनरल बैठक बुलाएगा। राजा ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें ये जो बैठक बुलाई गई थी, ये राजा का एक बहुत विशाल राजभवन था, जिसे वर्सलीज कहते थे। इसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्हें फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के करीब 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, जबकि थर्ड स्टेट से 600 यानी 600 डेलीगेट्स इसमें शामिल होने थे। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के डेलीगेट्स थे, वह आमने सामने की कुर्सियों पर बिठाए गए, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को उनके पीछे खड़ा किया गया। ये 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के जो थे, वो भी समाज के समृद्ध वर्ग से ही थे, जो पढ़े लिखे थे। इसमें गरीब, किसान, मजदूर और औरतें शामिल नहीं थी। हालांकि थर्ड स्टेट के ये प्रतिनिधि जो थे, वह उनके कुछ लेटर जो तकरीबन 40,000 थे, उसको अपने साथ ले गए थे। जब वोटिंग की बारी आई तो राजा का विचार था, राजा ने ये डिसाइड किया था कि वोटिंग पहले की तरह ही हो, यानी पहले में जो वोटिंग का पैटर्न था उसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि के एक एक वोट माने होते थे, यानी फर्स्ट स्टेट भी एक वोट देता था, सेकेंड स्टेट भी एक वोट देता था, और थर्ड स्टेट के भी लोग भी एक वोट देते थे। लेकिन इस तरह से जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट मिलकर के कोई भी बिल को आसानी से पास करा लेते थे। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके थे। जो रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखी थी, जिसको पढ़ करके लोग काफ़ी जागरूक अपने अधिकार को समझ रहे थे, तो ऐसे लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, इस बार जो वोटिंग हो वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने का हक हो। इस तरह से इनका डिमांड था कि पूरा सदन वोट करे और सभी के वोट को काउंट किया जाए, और उसके बाद डिसीजन को फाइनल किया जाए, उस वोटिंग को माना जाए। राजा इनके इन प्रपोजल को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, और जो थर्ड स्टेट के डिमांड को जब रिजेक्ट किया गया, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने उस स्टेट जनरल की बैठक को का बायकॉट कर दिया, और ये सब 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट था वर्सलिस के ग्राउंड में, वहाँ पर एकत्र हुए, और उन ये सभी जो 600 लोग थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, और ये शपथ लिया कि वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि राजा के पावर को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, उसको ड्राफ्ट वो नहीं कर लेते हैं, तब तक वो वहीं रहेंगे।
इनके ये नेशनल असेंबली को दो व्यक्ति लीड कर रहे थे और इनमें से एक मीरा बाऊ थे जो कि नोवेलिटी से थे और एक एवेस ये थे जो चर्च से संबंध रखने वाले थे। और ये सबका मानना था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेज हैं इसको समाप्त किया जाना चाहिए। एवेस ये जो एक पादरी था उसने एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। आप यहाँ एक ये पेंटिंग्स देखिए, इस पेंटिंग को जैक्वेस लुइस डेविड ने बनाया था जिसको नेशनल असेंबली में टांगा जाना था। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सलीज ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान बनाने में व्यस्त थी पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी और ब्रेड के दाम आसमान छू रहे थे। बेकरी के मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में व्यस्त थे। बेकरी के दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया था। सम्राट का ट्रप्स यानी आर्मी को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश देने के बाद गुस्साई जनता ने वहां के वास्तिल के किले पर धावा बोल दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। द कंट्री साइड नॉम्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू ट्राई दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों का गिरोह बुला लिया है जो पकी फसलों को बर्बाद कर देंगे। कई जगहों पर भय से आक्रांत किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों जिसे चैट्यूक्स कहा जाता था पर आक्रमण कर दिया और अन्न भंडारों को लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया गया। शामन यानी फ्यूडल लोग बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। कईयों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। रिवोल्ट के बाद प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संवैधानिक अंकुश होगा यानी संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छेड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर जिसे टिथ या टाइथ कहा जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली जमीन जब्त कर ली गई। इस तरह करीब 20 अरब यानी 2 बिलियन लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। द मैप शोज हाउ बैंड्स ऑफ पिजेंट्स आर स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस मानचित्र में दिखाया गया है कि कैसे फ्रांस में जो ग्रेट फियर था वो फियर कैसे पूरे देश में फैला। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो हरे रंग का पार्ट है मैप का वहाँ वो इफेक्टेड नहीं हुआ था ग्रेट फियर से। आप कुछ क्षेत्र देख सकते हैं, इनमें से ये क्षेत्र है जिसे वॉर्डक्स कहते हैं, ये इसके अलावा ये पार्ट और ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो जितने भी हरे रंग का पार्ट इस मैप में दिया हुआ है वो सारे पार्ट फ्रांस में इफेक्टेड नहीं हुआ था ग्रेट फेयर से। जो गुलाबी रंग का पार्ट है एरियाज ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट अर्ली 1789 में जो किसानों का विद्रोह हुआ था शुरू में वो इस क्षेत्र में हुआ था जो गुलाबी रंग का आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, ये जो प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ शुरू हुआ था इस तरह के ग्रेट फियर। और इसमें जो आप ये गोल गोल देख रहे हैं जो हरे रंग का है ये गोल वाला,
ये ईपी सेंटर था, यानी यहीं लोग चारों तरफ फैलना शुरू हुए। आप जो देख रहे हैं एरो मार्क्स, ईपी सेंटर से एरो मार्क्स सभी ओर जा रहा है। यहाँ से देखिए ये एरो मार्क्स इधर जा रहा है ना, ये इस तरह से इधर जा रहा है। तो ये ईपी सेंटर से चारों तरफ ये फैलाव हो रहा था ग्रेट फियर का, यानी जो रिवोल्ट हो रहा था वो फ्रांस में इस तरह से फैल रहा था। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। इसके अलावे हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें।